तो गाइस आप सभी को पहले करना क्या है गाइस, देखिए पहले इस बैकग्राउंड को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है गाइस। सो मॉडल का कटआउट गाइस मैंने पहले से कर रखा, जिसको कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो के लिंक दे रखे, आप दोनों वीडियो को देख लेना, बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, जो उनसे अच्छा लगे उससे इरेज कर लेना। एंड गाइस मेरी फोटोज़ में थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा हो रखी है तो गाइस मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अगर आपके फोटोज़ में भी होती है तो आप ये स्टेप फॉलो कर लेना। सो आप भी मतलब लाइटिंग एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाइस उसके बाद गाइस आपसे व्यू करना है, पहले मैं इसको पूरा एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से एंड कर देना सिंपली डन, ठीक है गाइस। तो मैंने एडजस्ट कर लिया। एंड उसके बाद करना क्या है गाइस, इसको ऐसे फिक्स कर लेना एंड सिंपली करना ऐसे, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अच्छे से एंड ऊपर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस ये आपको चैट्स के PNGs मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली ले लेना, डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद, तो इसको लगा देंगे इस तरीके से। एंड गाइस उसके बाद क्या काम करना है, इसको कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद जाना आप सभी को टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद फोटो की ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, ओके गाइस। सो उसके बाद जाना इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रशेज में जाना है। एंड गाइस जो आपकी चैट्स है ना गाइस, उसके साइड साइड में आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है गाइस, ताकि गाइस जो लगे कि मतलब कि चैट्स में से ना लाइटिंग निकल रही है, जैसे गाइस आपने फोटो में देखा होगा स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से आप सभी को कर देना है। तो गाइस ये आप मैं पहले कर देता हूँ सारे मतलब चैट्स में, आप भी सिंपली गाइस कर लेना इस तरीके से। एंड उसके बाद गाइस ये देखिए ऊपर से जो हमारे ये लाइटरूम और जो फोटोशॉप का ये इमेज है, इसमें से हमारी लाइटिंग आ रही है, वो हमारे फेस के ऊपर आ रही है, इसलिए हम इसके रिफ्लेक्शन देने के लिए हम अपने फेस के ऊपर भी ये लाइटिंग करेंगे गाइस, ठीक है। तो उसके बाद गाइस इसके बाद ये जो है इरेजर में जाएंगे, थोड़े हार्डनेस को कम करके हम सिंपली नीचे से इरेज करेंगे, ओके गाइस। सो यहाँ तक हमारा परफेक्ट है, सो ऊपर से थोड़ा सा कर लेता हूँ एंड गाइस परफेक्ट, एंड कर देते हैं ऐसे डन। थोड़ी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर लेना एंड उसके बाद करते हैं सिंपली एडजस्ट एंड डन, ठीक है गाइस। सो उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या गाइस, देखिए आपका यहाँ तक स्टेप पूरा हो चुका है। तो गाइस आप सभी का काम आता है इसमें करना आप सभी को कलर करेक्शन, ओके गाइस। सो जो करते हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर, तो सिंपली हम फोटो करते हैं ड्रॉ टूल में जाकर सेव एंड गाइस चलते हैं यहाँ से बैक, ओके गाइस वो बैक चलते हैं। एंड गाइस यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार तो आपका भाई ना आज दिन की दूसरी वीडियो डाल रहा है यार, ये आप सभी के लिए आपके मतलब आप सभी की डिमांड होती है यार, आपका भाई डाल देता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार 2000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जल्दी जल्दी, 2000 सब्सक्राइबर करा दो एंड मतलब करवा दो यार, आप इतना तो आप कर ही सकते हो। तो गाइस आपको फोटो को ओपन कर लेना है एंड सिंपली आ जाना आपको लाइट वाले ऑप्शन में, नीचे कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, हाईलाइट्स को कम करना है, शेडो को कम करना है, ओके गाइस। सो ब्लैक को कम कर देना है, ओके। सो नीचे वाले टूल में जाना है गाइस एंड इसके बाद वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जाना गाइस मिक्स टूल में, ओके गाइस। सो रेड कलर की ह्यू को बढ़ा देना है, ओके। सो ऑरेंज वाले कलर में जाना है एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, ओके गाइस। एंड सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देना है एंड कर देना डन। एंड गाइस जाना है आप सभी को नीचे वाले टूल में एंड फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड डल्स को बढ़ा देना है एंड विगनेट को कम करना है गाइस, ठीक है, ताकि हमारे साइड साइड में जो है ब्लैक ब्लैक आ जाए, ओके। सो गाइस जाना नीचे वाले टूल में, फोटो के शार्पनेस को बढ़ा देना गाइस आपको सिंपली एंड कलर नोइ डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है, नोइ डायरेक्शन एंड कलर नोइ डायरेक्शन नीचे है तो इसको बढ़ा देना है, ठीक है। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद आप सबको ये सिलेक्टेड टूल में जाना गाइस एंड इस वाले ऑप्शन में जाना, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके इस तरीके से लाना है एंड गाइस विगनेट में जाना है, इसको विगनेट को कम कर देना गाइस, ओके। तो नीचे से हमारे ब्लैक ब्लैक डार्क हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।